आपकी लड़की की आज क्या थी भाई? आप भी साथ में आपकी लड़की की आज क्या थी? आज शादी थी। आज आज शादी थी। आज शादी। तुमने शादी रोके नहीं? शादी नहीं रोकी। सारे लोग आए थे? सारे लोग आए थे, सब इंतजाम हो गया, सब था। बताओ आपकी लड़की कहाँ से गायब हुई, कैसे गायब हुई? कहाँ से गायब हुई लड़की? कुरला से। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया? दोपहर में बुलाए, दोपहर में आपको यहाँ पे बुलाए थे? यहाँ बुला के क्या दिया आपको? इन लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट्स दिए आपको? एफिडेविट दिए और लड़की का फोटो दिए, धर्म परिवर्तन का फोटो, धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और लेटर में खाली वही लिखा एफिडेविट के अंदर बस। नहीं, वो लड़की जिंदा है कि नहीं हमको क्या मालूम? लड़की लड़की को क्यों नहीं ला रहे? स्टेटमेंट के लिए लड़के का, सिर्फ लड़की का स्टेटमेंट नहीं। लड़की अगर लड़की है, बहुत सी मुसलमान लड़कियां गलती करती है, चली जाती है, पछताती है, बाद में आना चाहती है, मगर उनको क्या बताया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को नहीं घर में लेंगे और लेके गए तो जान से मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप ने पैदा किया, अपनी औलाद को क्यों मारेंगे? इनके आगे जो है वो निवाला बना के दे देंगे कि तुम हमारी बच्ची के साथ में अय्याशी करो और उसको नौकर बना के तुम अपने घर में इस्तेमाल करो। सभी ये जो हो रहा है पुलिस स्टेशन में, हमको आज जिस तरीके से मिसगाइड किया, लड़की की डॉक्यूमेंट दिखाकर, लड़की का यहाँ कोई आता पता नहीं, लड़की के बारे में हम पूछ रहे हैं युगतपुरी पुलिस स्टेशन, कोई सीसी कैमरे में कहीं भी लड़की की एंट्री ही नहीं है, तो कैसा मानेंगे लड़की युगतपुरी में? लड़की को किडनैप किया गया यहाँ से। सुबह से हमको मिसगाइड किया जा रहा है, सुबह से हमको मिसगाइड किया जा रहा है। लड़की किडनैप है और किडनैप की कंप्लेंट अगर ये लोग नहीं लेंगे तो हम फिर आगे, फिर इसके आगे क्या करना है उनको भी मालूम है। कैसा दर्ज नहीं होगा केस? लड़के का स्टेटमेंट लिए, लेकिन लड़की भी तो आना चाहिए ना वहाँ पे। लड़की का स्टेटमेंट क्यों नहीं दर्ज किया? लड़की का भी ना, हवा में बातें हो रही, खाली हवा में फिर सारा मिसगाइड हो रहा है। हमारे समाज के लोग अगर यहाँ पे मॉप लेके इनकी तरह आके खड़े होकर बात करेंगे तो आप लोग बराबर हर चीज हो जाएगी। और लड़की का लड़के का बाप दारू पी के पड़ा है, वो हमको बोल रहा है, उसका उस बात के लिए हम रुके थे इधर पुलिस स्टेशन में इतना टाइम तक। आप हमें कंप्लेंट डालो, मेरी लड़की मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लोग बोलते आ रही आ रही, लेकिन आई नहीं। ठीक है, आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट है, इसमें आप देखिए तारीख लिखी है 1/10/2022 और लड़की गई है 16/10/2022। अब बताइए लड़की किडनैप नहीं हुई तो क्या हुई है? 15 दिन पहले लड़की का एफिडेविट धर्म परिवर्तन का बनने के बाद लड़की वापस क्यों आएगी और वो क्यों शादी तक अपने माँ बाप की बेइज्जती के लिए रुकेगी और शादी के 4 दिन पहले जाएगी? आप मुझे बताइए ये किडनैपिंग नहीं है तो क्या है? 15 दिन पहले शादी का घर कैसा रहता है? कितने लोग जमा रहते हैं घर में, रिश्तेदार होते हैं, आना जाना होता है, कार्ड बांटने होते हैं, शादी की तैयारी होती है, लड़की इस तरह जाके वापस आएगी क्यों? किडनैपिंग प्लस ब्लैकमेलिंग, ये लोग पैसों की मांग करना चाहते थे जो इनसे नहीं बन पड़ा, क्योंकि लड़की इनके हाथ में आने के बाद लड़की ने इन सब चीज़ों के लिए इनकार किया होगा। और लड़की इनके हाथ में कैसे आई होगी? जाहिर सी बात है अपनी मर्जी से नहीं आई होगी। एफिडेविट जहाँ बना है बिफोर मी, यानी लड़की अगर वहाँ पे सिग्नेचर करी, वहाँ पे सीसी कैमरे चेक होने चाहिए जहाँ पे ये एफिडेविट हुआ है धर्म परिवर्तन का, और जो इसके अंदर विटनेस है उनकी भी पूछताछ होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी गैरतमंद लड़की, गई गुजरी लड़की भी ऐसा काम नहीं करेगी। अगर उसको घर से भागना हो तो भाग जाएगी, ये इंस्टॉलमेंट में नहीं भागेगी। 15 दिन पहले धर्म परिवर्तन का एफिडेविट बनाएगी, फिर 15 दिन बाद में वो घर से भागेगी और फिर 4 दिन के बाद में शादी तक बाप और माँ जो है बेटी के आने का इंतजार करेंगे और दूल्हा जो बेचारा मंडप में आया है उसको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और उसी दिन लड़की वहाँ पर पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होगी, ऐसा बोल के ये एफिडेविट वहाँ पर जमा हुआ है, पुलिस कहती है। और जब वहां हम पहुंचते हैं तो पुलिस कहती है ये एफिडेविट जो है हमको 16 तारीख को प्राप्त हुआ है। आप बताइए 16 तारीख को प्राप्त हुआ है तो दिन के टाइम समय टाइमिंग लिखा है उसमें, अगर 16 तारीख को अगर इनको मिला है, लड़की तो रात को गई है, लड़की जो गायब हुई है वो रात को हुई है। आप मुझे बताइए रात में लड़की गायब हुई है तो दिन में एफिडेविट कैसे पुलिस स्टेशन में चला गया धर्म परिवर्तन का? और धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट गया तो पुलिस का काम नहीं था के माँ बाप को बुलाना कि भाई तुम्हारी बेटी यहाँ पर, जबकि मिसिंग कंप्लेंट दूसरे दिन लिखाई जा चुकी है, यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया इन्होंने। 4 दिन बाद बराबर
बराबर थर्सडे के दिन जिस दिन निकाह खानी जिस दिन बारात आई उस दिन पुलिस फोन करके बाप को बोलती है कि तुम्हारी बेटी ने यहाँ पर एफिडेविट जमा किया है धर्म परिवर्तन का, उसने जो है अपने मन मर्जी से शादी कर ली है। ये पेपर देने के लिए वहाँ बुलाया गया। ये बेचारा बाप तड़प के वहाँ गया कि बच्ची हमारे हाथ आ जाएगी सामने आई तो, क्योंकि लड़की कहाँ है उन्हें पता ही नहीं था। और जो वहाँ गए तो उन्हें ये पेपर मिला है सिर्फ, और पुलिस भी इस बात का इनकार कर रही है कि लड़की वहाँ आई थी। लड़की वहाँ नहीं आई थी। जब उनसे कहा गया कि बुलाया जाए तो वो भी बुलाने में नाकाम हो गए। तो ये पेपर देने में जो इन लोगों ने रोल अदा किया है आप भी समझ सकते हैं इनकी मंशा। और हमारे लोगों ने भी ये सारी चीज़ों को वहाँ भाप लिया। आगे के लिए अगर ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता है तो ये सारे पुरावे जो है इनके खिलाफ जाएंगे। और पुलिस जो कहती है कि हमारे पास लड़की आई तो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, किस बात का प्रोटेक्शन देंगे? माँ बाप क्या जल्लाद है? लड़की को जान से मार देंगे? ऐसी कई इन लोगों ने कहीं भी जबान निकाली है अपनी इज्जत बचाने की खातिर। उन लोगों ने कहीं भी बच्ची चार दिन पहले गई है किसी को भी कानोकार खबर होने नहीं दी, ये सोच के कि लड़की शादी वाले दिन अल्लाह ने चाहा तो लड़की का बस चलेगा तो ज़रूर आ जाएगी। वह लड़की का बस चलता कैसे बताइए? इतनी तैयारी से इन लोगों ने 15 दिन पहले से इन लोगों ने जो तैयारी करके रखी थी उसका नतीजा जो ये इनको भुगतना पड़ा, इतनी रुसवाई इतनी बेइज्जती, इनका खामियाजा उन सबको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग कर रखी थी और पैसों की डिमांड थी उनकी और वो डिमांड उनकी नहीं पूरी हुई, इसलिए उन लोगों ने खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के हिसाब में ये पेपर वहाँ पर अपने प्रोटेक्शन के लिए डाल के गए। और इनको प्रोटेक्ट करने वाली जो है युगतपुरी की पुलिस, जिनका ये कहना है कि धर्म परिवर्तन का मंदिर का सर्टिफिकेट पंडित का सर्टिफिकेट ये सब वो पुलिस को देंगे। कौन सी पुलिस को? यहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट हुई, माँ बाप को नहीं देंगे। माँ बाप को सिर्फ ये एफिडेविट उन्होंने दिए है, वो भी उन पर एहसान किए बोलते उन लोगों ने। अब बताइए बेटी जने हैं कोई गुनाह तो नहीं किए? और मुसलमान होने की सजा जब तक हम नहीं भुगतेंगे तब तक हम हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं कहलाएंगे। नहीं आएगा? आराम से बात करना। हाँ मैडम आराम से। हाँ मैडम इनविजिबल लड़की के डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लड़की की यहाँ पर एंट्री नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे लड़की का यहाँ पर कोई। ठीक है जिनकी बेटी जाती है उनके दिल पे क्या बीतती है, अगर वो भले उनकी मर्जी से के आई हो लेकिन जिनकी गई है ना उनके ऊपर क्या बीतती है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनको भी बराबर है, बराबर है, बराबर है, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अभी देखो उसकी अजीब आई ना गिर गई, सब इतने सारे मेहमान थे कैसा शर्म नहीं आई शादी की आज बता दे लड़की का संसार जमे होगा से नहीं है शादी का मंडप छोड़ के आने का। ये तो अपने को जल्दी निकलने का, सुनो अपने को जल्दी निकलने का, पहले खाली कंप्लेंट तुम्हारी को। मैं एनजीओ से हूँ, हेल्पलाइन वुमेन एसोसिएशन। मैं 10 साल शासन कमेटी पे हुंडा में दक्षता कमेटी पे रही हूँ, अभी मैं एसईओ हूँ और मैं 15 प्रेस भी मेरा खुद का पेपर है। अभी आप बताइए हमारे लिए आप क्या कर सकते हैं? लड़की के का किडनैपिंग का केस तो होना चाहिए कि लड़की को इन लोगों ने किडनैप करके रखा, लड़की को सामने हाजिर नहीं करे। हम अगर कुर्ला की पुलिस आती तो भी हमको क्या मिलता? आप बोले चले अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करके गई है तो आदमी सीना तान के आता है क्योंकि सिक्योरिटी है पुलिस वालों की तरफ से, पत्रकार है वो और आके हक से बोलता कि अब्बा मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं मेरे उसको डराया गया। एस्ट्रोलॉजी मैडम, एस्ट्रोलॉजी ब्लैक मैजिक हुआ है, हाँ, उसका सबूत है मेरे पास। इफ यू वांट दैट पिक आई कैन शेयर यू। ओके मैडम को बुलाओ। सही तो करो आप बात करो। मैं किसको तभी मैडम माला एक सांगा राखुंडे साहब आता सद्या
हम लोग मुंबई जा रहे हैं कंप्लीट किंवा किडनॅपिंगची कंप्लीट त्या व्यक्ती विरुद्ध त्याच्या बापा विरुद्ध त्याच्या पोरा विरुद्ध होऊ शकते काही पण फक्त एवढं विचारून घ्या वरिष्ठांनी बस अस्तगफिरुल्लाह जादू है लड़की ये देखिए मैडम ये देखिए ये गुड़िया है गुड़िया नहीं सर ये पुतला जो रिकॉर्डिंग ले लो ना एक रिकॉर्डिंग ले लो हमारी ये क्या है ये उसके बाद जादू किया हुआ है तू ले ले करते ना वैसा ये देखिए देखो ये देखिए लड़की को जादू टोना किया गया आप लोग आराम से करो जो काम करने ना अपना वो काम करते अपन जैसा भी होता है वैसा करते जो भी हो सकता है वो लोग कपड़े डब्बे करेंगे लड़की गायब कर दिया बताओ तो अब है ना यहाँ पे नहीं कुर्ला में जाके जहाँ पे लिखा है लिखा है यहाँ से गायब है कुर्ला का लेना देना नहीं है कुर्ला बोलेंगे यहाँ थी नहीं कुर्ला वाले आएंगे कुर्ला वाले को नहीं मिली यहाँ की नथिंग रिपोर्ट बना के आएंगे लड़की कहीं और है एक मिसिंग दाखल आहे मुंबईला आणि ती मुलगी जी आहे ती आपल्या यांना असं समजलंय की ती गिरणाऱ्यामध्ये तो आपला तो डावखर आहे ना तो शिवनाथ डावखर त्याच्या मुलांनी ती मुलगी आणली असं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये जुमेरात के दिन ये लड़की का निकाह था और जो है ये शनिचर के दिन लड़की घर से गायब हुई है। अब मुझे बताओ जिसकी शादी चार दिन के बाद में है क्या माँ बाप लोग शादी को रोकते नहीं थे अगर वाकई में लड़की खुद से भागी होती अपनी मर्जी से भागी होती चिट्ठी लिख के गई होती या फ़ोन करके गई होती या माँ बाप को पता होता कि भाई इसका अफेयर है तो माँ बाप शादी रोकते या नहीं रोकते अपनी इज्जत बचाते या नहीं बचाते आप बताओ उस दिन शादी पूरा प्रोग्राम उनका होने वाला जवई आ गया जब तक भी ये लोग इंतज़ार में देखे लड़की आ जाएंगी इनको अल्लाह पे भरोसा था और अब भी इनको अल्लाह पे भरोसा है इन लोगों को मिसगाइड वापस किए पुलिस वालों ने कि तुम्हारी लड़की यहाँ है और उसने शादी कर ली है इन लोग बेचारे हक्का बक्का रह गए फिर भी इनको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ ये लोग यहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचने के बाद इनको एक पेपर दिखाते हैं फोटो दिखाते हैं एक कुर्सी के पर चेयर के पर जो दूल्हा दुल्हन बैठे उसे और ऐसा धर्म परिवर्तन कर ली लड़की ने मैं फोटो भी आपको डाल रही हूँ आप बताओ मुझे इसके ऊपर हमने लड़की छोड़ देनी चाहिए पुलिस वालों का ये टकाए से जवाब के ऊपर हमने जो है लड़की भूल जानी चाहिए जिस लड़की के आगे पीछे ऐसी कोई असरात नहीं जिसमें वो लड़की जा सकती है ऐसा कर सकती है करके बिल्कुल भी इल्म नहीं बिल्कुल भी इल्हाम नहीं आप मुझे बताओ लड़की खुद तैयार हुई शादी के लिए और खुद ने जाके सारे कपड़े सारी शॉपिंग की है वो लड़की कैसे भाग सकती है जब लड़की के इसमें सामान में तलाशी ली गई तो इससे पुतले पाटले मिले जो मैं आपको फोटो वो भी डाल रही हूँ आप मुझे बताओ उसको इस तरीके से जादू टोना करके उसका दिमाग फिरा के और जो पता नहीं क्या वजह से ब्लैकमेल करके क्या वजह से अगर इसको घर के बाहर तक बुलाए भी होंगे वहाँ से इसको गायब कर दिए यही बात हम पुलिस को बोलने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को समझा रहे लेकिन पुलिस हमारी क्यों सुनेगी और इसके ऊपर कौन सा कानून कायदा बिठाएगी वो उनको पता ही नहीं है पुलिस का कहना है कि लड़की अगर हमसे प्रोटेक्शन मांगेंगी तो हम लड़की को प्रोटेक्शन देंगे लेकिन माँ बाप अगर हमारे पास आके बोलेंगे वहाँ वहाँ लड़की है तो हमारे साथ चलो ढूंढने तो हम नहीं जाएंगे अब मुझे बताओ लड़की को प्रोटेक्शन देने की जो बात बोल रहे हैं क्यों भाई क्यों देंगे तुम उनको उसको प्रोटेक्शन क्या वो किसी आरोपी किसी क्रिमिनल के घर पर किसी खूनी के घर पर रहती थी उसके माँ बाप कोई क्रिमिनल है ये लफ्ज़ जो ऑफिसर का है वो मैं कमिश्नर तक पहुँचाऊँगी मैं वीडियो में नहीं डाल सकती क्योंकि फिर बाद में क्या है मुझे उस पर कार्रवाई करवानी है मगर ऑफिसर का ये बोला हुआ लफ्ज़ आप समझिए कि इन्होंने क्या थान रखी है हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं और हम हमारे बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो ये हमारे को मदद नहीं करेंगे ये लफ्ज़ उस ऑफिसर ने बोला है जिसकी मेरे पास पुरावा है और वो मैं कमिश्नर साहब तक जाके दूंगी इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि भाई आपकी बच्ची जाती है आपका सरमाया है वो जिंदगी भर का मुआवजा आपका कोई आपकी जायदाद जमीन जायदाद अगर लूट ले उस पर कब्जा कर ले तो आप तो आपको वही लोग भगाएंगे नहीं आपका जो है एफआईआर दर्ज करेंगे चाहे आपको बहला फुसला के वो जमीन जायदाद आपकी प्रॉपर्टी जब्त की हो चाहे आपसे छीनी गई हो चाहे आपको धोखा दिया गया हो चाहे आपको बेवकूफ़ बना के लेके गए हो
ये नहीं बोलेंगे ये लोग कि भाई तुम इतने बड़े हो, अक्लमंद हो और ये तुम्हारी जमीन तो इतने साल पुरानी है या कुछ भी पेपर कागज बराबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, आपका FIR दर्ज करेंगे। तो हमारी बच्ची जिसका हमारा हम दावेदार है, हकदार है, कुरान में हमारी प्रॉपर्टी जो है औलाद को बताया गया है, सरमाया औलाद को बताया गया है, हम उसका दावा नहीं कर सकते, हम उसकी FIR दर्ज नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर चोरी का एलिगेशन नहीं डाल सकते, लेके जाने के वाले के ऊपर हम किडनैपिंग का केस नहीं डाल सकते, सिर्फ इसलिए कि 18 साल की है। अगर 18 साल में एक महीना भी कम हुई तो आप FIR लोगे ना? तो ये क्या भाई, ये कौन सी ये कायदा हमारे हित के लिए बनाया गया, हमारे खिलाफ बनाया गया है? कानून तो मेजोरिटी के ऊपर बनता है ना, मेजोरिटी के ऊपर बनता है ना, जहाँ पर लोग जो है सहमत तो एक बात के ऊपर राय रखते हो वहाँ पर कायदा बनता है कि भाई माहौल खराब नहीं हो। यहाँ एक लड़का और एक लड़की के ऊपर कायदा बना हुआ है, ये अंधेर नगरी चौपट राजा ने तो क्या है, पूरा समाज, पूरा खानदान, पूरे माँ बाप भाई बहन एक तरफ, इन सबको जो है मीनिंगलेस कर दिया, इस मेजोरिटी को जो है जीरो कर दिया और एक लड़का और एक लड़की के आधार पर माँ बाप को टक्का सा जवाब दिया जाता है कि वो तुम उसके दावेदार नहीं हो, वो बालिग है, अपनी मर्जी के मालिक है। अब मुझे बताओ अगर गैर मुस्लिम लड़की होती, पूरा गांव अगर उठ के आता तो क्या उनको मदद नहीं मिलती, क्या उसको बातचीत करने नहीं दिया जाता? हमारे को लड़की से मिलने नहीं दिया गया जबकि इन्होंने खुद ने बुलाया था कि आओ आके जो है तुम्हारी लड़की यहाँ है, मगर इनका खुद का कहना है कि लड़की इन्होंने भी नहीं देखी, सिर्फ इनके पास पेपर आया यानी सेटिंग हुई। आप सेटिंग के आधार पर हमारी लड़की के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दोगे हम मान लेंगे, आप फिक्रमंद हो हमारे लिए, आप हमारी बच्ची की फिक्रमंद हो, आप हमारी बच्ची के जो है वो हमदर्द समझे हम आपको। अगर लड़की हमारे खिलाफ जाती है तो आप उसके हमदर्द हो, और लड़की अगर हमारे फेवर में आ जाएगी तो इसलिए आपने मना कर दिया कि लड़की को मत लाओ। लड़की जो है बयान माँ बाप की तरफ से देगी, ये इनको इल्म है, माँ बाप को देख के वो जो है उनकी इज्जत के लिए जो है वो इस लड़के के खिलाफ भी बोल सकती है, ये भी इनको इल्म है, इसलिए ये लड़की को सामने नहीं लाए। रात का 11 बज गया, कुत्ते का बच्चा नहीं उधर पे, पूरा गांव सुनसान, पूरा गैर आगरी लोगों का पूरा, और हमको डराया जा रहा है कि आगरी लोग है, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप वीडियो में सुनिए। अब आप बताइए हमारी बच्चियां हमने कैसे इनके चुंगल से बचाना है? लड़के का बाप पत्रकार है बोलते, और वहां पे कुत्ते से उसको पुलिस स्टेशन में मारा गया है, कितने उसके फजीते हैं वहां पर, कितने केस बने हुए हैं, उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, दारू पी के मस्त तर्राट सोया है वो, पुलिस वैन लेके बड़ा, हमने जब उनके सर के ऊपर बबाला मचाया तो निकली है वो, लेडीज कांस्टेबल नहीं आई है, रुको, लेडीज कांस्टेबल आने के बाद में उनके घर गई है जीप लेके, गाड़ी लेके, जीप भी नहीं गाड़ी लेके, प्राइवेट हमें हमारी गाड़ी लेके, और हमको किसी को लेके नहीं गई, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं मालूम, लफड़ा बढ़ सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है बोल के हमको किसी को उनके घर तक लेके नहीं गए। इस मामले में युगतपुरी पुलिस ने जो करी वो हमारे मुसलमान समाज के खिलाफ, यहाँ पर लड़की की बारात आई हुई है और लड़की नहीं है, उसे संभालना था उस बंदे ने कि यहाँ पर अपनी बेटी के नाम से अब उसे दौड़ाया गया, वहाँ पर उसे बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया गया। आप बताओ कितने चालबाज होंगे। अरे अगर लड़की ने वाकई फेरे करी है, लड़की ने वाकई अगर धर्म परिवर्तन करी है, लड़की ने अपनी मर्जी से करी है, तो सामने आके बोले ना बाबा, और मुझे बताओ उसी दिन क्यों, जिस दिन बारात है शादी है उसी दिन क्यों? 4 दिन पहले लड़की गई है, सैटरडे के दिन लड़की गई है, सैटरडे के दिन लड़की गई है, तो ये थर्सडे तक क्यों उसने इंतजार करी, लड़की ने इंतजार करी? आपको लगता है इनको पूरी तरीके से जो है लड़की के ऊपर इनको पैसा बनाना था, इनकी ब्लैकमेलिंग चालू थी, इनकी मांग ना सुनी गई ना पूरी करने का तो सवाल ही नहीं, जब देखे लोग ने कि हमारा जो है किया करा पानी में चला गया, तो इन्होंने उस लड़की को बालिग होकर उसके साथ में धर्म परिवर्तन का रीजन देकर वहां पर अपने को सेफ साइड कर लिया पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले जो हमको पेपर बता रहे वो 16 तारीख का, जबकि लड़की 16 तारीख की रात को गई है। अगर लड़की 16 तारीख की रात को गई है तो आप मुझे बताओ ये पुलिस स्टेशन में यानी सुबह में इनके पास में लड़का एप्लीकेशन देता है कि मैंने इसको, ये अपनी मर्जी से आई है और मैं इसके साथ में शादी करने वाला हूँ, शादी कर चुका हूँ, कितना इन लोगों का, और जो एफिडेविट इन्होंने सबमिट किया है उसको पुलिस वाला बोलता है कि इन लोगों ने जो किया लीगल किया, ये लीगल, आज लड़की बयान बदली कर देंगी तो, और उस एफिडेविट में लड़की की बर्थ डेट भी गलत लिखी है, जन्म तारीख गलत है। अब हमको कानून कायदा बताया जा रहा है कि जहां से लड़की गई है वहां जाके वहां की पुलिस को आप बोलो, वो आके
जो है लड़की को यहाँ से लेके जाएगी। अब यहाँ लड़की होगी तो लड़की को आके लेके जाएगी ना, जिस तरह हमको कॉल करके बुलाया गया। इनका काम था जहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट लिखी है उस पुलिस को बुलाकर हवाले करना, मगर ये लोगों ने ऐसा नहीं करते हुए लड़की के बाप को, उसकी उसकी उस वक्त की हालत को, उस वक्त की उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि ये जरूर हबड़ते दबड़ते आएगा और इतना कुछ चालाक नहीं है, पुलिस पुलिस को लेके नहीं आएगा, हम इसको जो है यहाँ पर ये सारा मामला हमारे मन मुताबिक बता देंगे और ये मुंडी डाल के चला जाएगा। आज ये लोगों ने जिस तरीके से नफ्स पे वार किया है, हमारे इज्जत नफ्स पे, आज इज्जत नफ्स पे वार करके ये जो हलाक कर रहे हैं, दिमाग की नस फट जाए, वो बंदा उधर गिर जाए, उसकी हालत देखो जिस तरह वो बयान दे रहा है उसकी पूरा। अगर मैं सही से और अगर हम उनका थोड़ी देर और लेते ना तो बता रहे हमारे आंसू नहीं रुकते थे। उस बेचारे के मुंह से ऐसे फेस आ रहा है, एक जिंदा लाश जैसा वो बात कर रहा है। वो बाप की हालत देखो, पूरी जिंदगी बंदे ने उसके हाथ पूरे वो दुकान में गोश्त काट काट के उसके हाथ पूरे ऐसे पूरे छिले हुए कटे कैसी, और वो कांप रहे हाथ बात करते हुए, और ये सारे दारू पी के इनके हाथ कांप रहे। इनकी बातों को हमने सुनने का, दर्जी देने का क्यों? हमारी लेडीज को डराया गया, हमारे को कहा गया कि तुम तो यहाँ पे जो करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कोई ज्यादा पुलिस नहीं है, मगर देखो फिर हमको भी कुछ करना पड़ेगा। यानी हमको डरा रहे कि रास्ता जंगल का है, तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम सुरक्षित नहीं है, समझे, कसारा घाट कैसा कैसा है आगे का रास्ता, ये हमको डरा रहे। खैर हम तो अल्लाह की राह में, अल्लाह फी सबीलिल्लाह, हमने जो भी हमसे हुआ हमने किया, और इसकी कार्रवाई आगे इंशाल्लाह आप सब कसरत से दुआ कीजिए, ये लड़की इंशाल्लाह जरूर इसकी घर वापसी होगी। और ये सारा कुछ जादू का मामला है, लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है, इतनी कोई औलाद इतनी फिरौन नहीं होती है जो इतना बड़ा माँ बाप को रसवाई का सबब बने, उसको इनकार ही करना होता है शादी से, तो ये शादी की तारीख भी नहीं पकड़ते, ना ये शादी का कुछ तैयारी होती, ना इतना टाइम तक माँ बाप रुकते कि मंडप में दूल्हा पहुँच गया और बाप भाग रहा है यगतपुरी फोन आने पे, और उसी मेरे इंतज़ार के लिए, और वहाँ से मुझे कॉल आई मेरी टीम की कि भाई आप आके लड़की को बात करो, मैडम ये बाप बात करने ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज़ का उनको अच्छी तरह तजुर्बा था कि ये बाप को जो है ये लोग फिरकी दे के भेज देंगे। लेकिन उन लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, मैं यहाँ से गई, जब देखे कि बात करने वाले ये लोग हैं तो उन लोगों ने वैसे भी लड़की को सामने नहीं लाने वाले थे, वही पेपर के ऊपर बाप को वो लोग वहाँ से भेजने वाले थे टका सा जवाब देकर। लेकिन लड़की के लाने की बात हमने जब वहाँ पर कही कि लड़की तो लड़का आके बात करने वाला था, बाद में हमको खुलासा हुआ लड़की आने वाली नहीं थी, क्योंकि लड़की पुलिस स्टेशन में आई ही नहीं थी। अब बस इतना ही मैं आपको बोलूँगी कि अपनी औलादों पर आप नज़र रखो, उनके साथ में जो ये लोग जादू टोना ये सारी चीज़ों के असरात जाहिर होते, बच्चे जो है वो बहकी बहकी बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, शाउट करते हैं, और जो है उनके रंग और जो बदल जाते हैं तब्दील हो जाते हैं, उनको खौफ डरावने आते हैं, वो चीख मारते हैं खौफ में, ऐसा घबरा के उठते हैं, और जो है वो अचानक कांपने लगते हैं और चिड़चिड़ापन आ जाता है, नमाजों में इबादतों में दिल नहीं लगता, नमाजों की चोरी करते हैं, और हम उनको कोई बात बोलेंगे तो वो पहली बार में सुनते ही नहीं है, यानी ऐसा नहीं, यानी उनके दिमाग तक बात ही नहीं जाती, क्योंकि उनके दिमाग को उन लोगों ने वार किया होता है, दिमाग पर उन्होंने कब्जा किया होता है, तो हमारा लफ्ज़ उनके कान से दिमाग तक पहुंचता नहीं है, वो लोग वापस वहाँ क्या बोले ऐसा वो लोग हड़बड़ा के पूछते हैं, समझ रहे हैं आप? ये सब असरात तासीरात ये आप लोग जब नजर आए आपकी औलाद में, समझ जाओ आपकी औलाद के ऊपर जादू हो रहा है। और जिन बच्चों के सितारे कमज़ोर होते हैं वो तो बेचारे उनकी तो हालत ऐसी होती है कि उनको बुखार आने लगता है, वो जो है उनको हमेशा ऐसा जैसा नींद रहती है, जा देखो वहाँ सोते रहेंगे, जा बैठेंगे वहीं आग लग जाएगी। चलो टॉपिक अलग हो जाएगा, अभी ये लड़की के भाई का भी फ़ोन आया था कि यहाँ भी वो लोगों की फरियाद मुंबई में जहाँ से वो लोग है वहाँ भी वो लोगों की कंप्लेंट नहीं ली जा रही है। लड़की जो 7 तोला सोना लेके गई है वो उस कंप्लेंट वो लोग सनीचर से लिखा रहे, बिल वगैरह दे रहे, वो भी वो लोग बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलती हूँ लड़की चाहे 4000 का मोबाइल क्यों नहीं लेके गई हो, उसकी भी चोरी की कंप्लेंट होनी चाहिए। हमारी लड़की को हमारे सामने लाकर बात कराने का और कौन सा रास्ता है बताओ आप मुझे? बाप और माँ के इतने बेरहम है कि बच्ची को अंदर करवा देंगे, मगर इनको मालूम है कि इनकी बाजू मजबूत हो जाएगी अगर चोरी की कंप्लेंट डाले तो, या लड़के पे किडनैपिंग की कंप्लेंट डाले तो माँ बाप जो है वो जीत जाएंगे और ये लड़का जो है हाथ ऊपर कर देगा अपनी करतूत से।
लड़के को कंटिन्यू करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, लड़के ने जो हरकत किया है वो उसके लिए मजबूती के लिए, ये लोग माँ बाप को दर्जी नहीं देते। मुजरिमों की तरह सुलूक किया जाता है माँ बाप के साथ, आरोपियों की तरह सुलूक किया जाता है। क्यों माँ बाप, क्या एक दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया औलाद को? इससे बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा दिमाग पूरा हिल रहा है। बस आप लोग दुआ कीजिए, ये बच्ची आएगी मुझे यकीन है, इससे दुआ कीजिए कि अल्लाह जल्द से जल्द इसकी घर वापसी कराए इंशाल्लाह। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। ये देखिए, ये फोटो देखिए, ब्लैक मैजिक लड़की को किया गया है। ये देखिए ऐसे पुतले उसको टांगे गए। अब ये पुलिस स्टेशन का जवाब ये है कि लड़की का एफिडेविट, लड़की का धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट और लड़की का एक फोटो इन्होंने दिखाया है, जो बैठी हुई है दूल्हा दुल्हन जैसा बैठते हैं। इन्होंने लड़की नहीं देखी है, सही इन्होंने लड़की देखी नहीं है। इसके पापा है लड़की का, अंदर कंप्लेंट लिखा, लड़की उसके वालिद कंप्लेंट निकाले लड़की के। जब स्टॉप कर थोड़ा, ये ब्लैक मैजिक उसके पर्स से मिला है। ये किसके पर्स से? लड़की के। ये पर्स में था लड़की, पर्स में डाला था। हाँ, ये जो मैं फोटो अभी दिखाई हूँ ये ब्लैक मैजिक के पर्स में मिला है। ये बता रहे आपको लड़की की? मैं लड़की का जो हूँ बड़ा जीजा हूँ, मेरी छोटी साली है। अच्छा जी, लड़की का नाम है अमल महमूद कुरैशी, उसके वालिद का नाम है महमूद कुरैशी। और ये इसके बैग में ये अमल ये मिला पूरा जी। और लड़की आखिरी बार तुमसे बातचीत में अच्छी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़की को किडनैप किया गया, शादी के लिए भी राजी थी, सब चीज था और सारे रिलेटिव्स को हमने जो है इनवाइट कर दिया था वेडिंग सेरेमनी, सारे कार्ड्स बट चुके थे। आज शादी थी 20 अक्टूबर को जो नहीं हो पाई, इसके कारण सिर्फ यही है। और यहाँ पे आने के बाद लोग ये बोलते हैं कि वो आगरी वाले हैं, काट देंगे मार देंगे। अच्छा, उनसे आप भिड़ नहीं सकते, ये सब चीजें हमको पुलिस चौकी में बोली जाती है। तो मैं बोलना चाहूंगा ये पुलिस फिर किस काम की? अगर ये चीज अगर ऐसा बोल रहे, 200 का झुंड है, 500 का झुंड है, लड़की हमारी गई तो हम क्या भूल के चले जाना है क्या? आदमी पैदा करके ऐसे ही छोड़ देता है क्या? नहीं, लड़की को डराया गया है, लड़की को काला जादू किया गया है, लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है। अगर लड़की अपनी मर्जी से गई होती तो लड़की अभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आती है, जवाब गवाही देती कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ। और लड़की का जवाब हम इनके बोलने से मानेंगे नहीं, और हमें भी पता है हमारी लड़की का कोई अफेयर नहीं है, हम यहाँ चाहिए सब काले जादू के उस पे उसको उठाया गया है। हमारे बगैर लड़की का स्टेटमेंट भी लड़की के घर पे कौन गए थे? लड़की के बारे में ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन एक भी अगर पुलिस वाला आता ना वहाँ पे, आप उनको लेके लड़की घर में थी है ना, आप भी थे साथ में, इधर आगे आके ले ना, तेको क्या कैसा बोलने का, यहाँ बनाने नहीं पड़ेगा। ये नहीं तुमको बनाने आता, हम लोग यहाँ आए कितना बजे आ गए, हमको रास्ते में कुछ हुआ तो हमारे लिए कुछ हुआ, हमारे लिए कुछ हुआ तो फिर तुम जिम्मेदार है? नहीं नहीं नहीं, ये लोग सबका बताया कि हम लोग इतने सारे जन आए थे लेकिन वो लड़की, एक मिनट परवीन आपा, एक मिनट, हम 7 बजे से यहाँ आके बैठे, लड़की मिसिंग है, लड़की किडनैपिंग है, लड़की ने 7 तोला सोना लेके भागी है, मजाक समझ के रखे, उसका बाप पत्रकार है, बहुत बड़ा तोप है क्या? हाँ, दारू पी के अभी पड़ा है, आप लोग उसका मुंह देख के आते हो और हमको बोलते लड़की नहीं मिली, हमारा किसी बंदे को लेके जाना चाहिए था। लड़की अगर खुद की मर्जी से आई तो आके बयान क्यों नहीं देती? आपने लड़की का जवाब दर्ज किए? लड़की आई थी तो फुटेज है, लड़की आई थी यहाँ पे सीसी कैमरे में है किधर आपके पास? लड़की पुलिस स्टेशन में एंट्री की आपके पास है? हो सकता है लड़की को मार दिया कर दिया, नहीं राजी हो रही थी, लड़की जिंदा करके प्रूफ है आपके पास? कुछ भी आप दिखा दोगे एफिडेविट, लड़की का जवाब तो लेना चाहिए, फोटो दिखा दोगे लड़की के साथ में? पहली बात तो रजिस्टर मैरिज नहीं है, वो जो है एफिडेविट है, क्या वैल्यू उसका? आज लड़की ने आके जवानी बदली करी तो फिर वो लड़की अपनी मर्जी, कानून कायदा आप भी जानते हैं, कानून कायदा हमको मालूम है, कोई बात नहीं, एनजीओ से हम लोग साहब आएंगे, साहब से बात करो, बड़े साहब आएंगे। नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा आप भी समझिए, 7 बजे से आपको बोल रहे लड़की को लाके जवानी दिला दो,
लड़की अपनी मर्जी से आए तो आपको क्या दिक्कत है? लड़की अपनी मर्जी से यहाँ ही नहीं, लड़की को किडनैप किया गया। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप जा रहे हैं तो खाली आ रहे हैं, हमारा कोई रिलेटिव तो गाड़ी में साथ में बैठा भी नहीं आपके लड़की का। हमारे नहीं, नहीं नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बराबर फोन भी किए बोलते हैं। नहीं, किडनैपिंग का केस यहाँ दर्ज करो, थाने अमलदार ऑफिस में आओ, साहब को किडनैपिंग का केस यहाँ दर्ज करो। लड़की आपके जवानी है, लड़की वहाँ नहीं है। लड़की का बाप आके एफिडेविट देता है, लड़की का बाप आके एफिडेविट देता है कि भाई कोई बात नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं, लेकिन हमें अपनी लड़की देखना है, हमारी लड़की सलामत है या नहीं है, हम उसको देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप भी हम लोग पता चले तो यहाँ आए थे, इसलिए हम लोग को यहाँ से चाहिए क्योंकि वो लोग यहाँ पर हैं। आता थांबा जरा, शांत हो। पहली गोष्ट, मुलगी मिसिंग दाखल आहे मुंबईला, ठीक ना भट्टी? हां, आपल्याकडे आली होती का ती? नाही, हे म्हणताय ना कळवलं कोण? मी नाही जवाब देऊन गेले नाही ते 16 तारखेला येणार ना का मुलगी आमच्याकडे आली आहे कोण आहे नाही आपले लड़के ओके लड़के का नाम आहे नाही आधी रुक रुक उनको समझने दे ओके म्हणजे इथे लग्न लड़का आहे तो उसको बिठाना ठीक नाही लोको छोड़े के साथ रुको साबे बात कर नहीं 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 तपलन नहीं ये मुसलमान लड़की है। हाँ। ये रजिस्टर मैरिज है, ये एफिडेविट है। लड़की एक बार घर से बाहर पैर उठाती है तो उसको लगता है मेरे को जाने के रास्ते बंद है, तो लड़की को हमने बात करके उसको देखना है ना आपको क्या, उसको प्रॉब्लम क्या है। मैं एनजीओ से हूँ, इतने दूसरे में आएगी तो लड़की के मन का मुझे जानना है ना, माओ का डर है। लड़की ने उसको भेज दिया तो कुछ कर दिया, हमने को लड़की देखना है, इनविजिबल लड़की के बारे में। मैं शादी करी तू भी मैं बात करूं, आपने देखा लड़की को ना गांव में किसी ने देखा? इस एफिडेविट के आधार पर इस फोटो के शादी की कहा है मैरिज का, इसका कहा है मंदिर का, किधर है धर्म परिवर्तन? यहाँ इसने बोला धर्म परिवर्तन, यहाँ मानेंगे धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट किधर है, फेरे का सर्टिफिकेट किधर है, पंडित का सर्टिफिकेट किधर है, हमारे काजी का निकाहनामा होता है, ये पेज को आपके सामने वैल्यू दे सकते हैं। लड़की जिसकी शादी है आज, आज मंडप पूरा भरा हुआ है, सारे लोग शादी में आए हैं खाना खाने को, झालते सगळं तुमच्या पर्यंत आएगा। ठीक है, ही मुलगी जर इथं आहे, ही माहिती तुम्हाला पोलिसांनी दिली का कोणी दिली? पोलिसांनी दिली ना, पोलिसांनी माहिती दिली ना तुम्हाला की इथं मुलगी आहे, काय माहिती दिली ते सांगा पहिले। यही बोले की या लड़का भी आया हुआ, लड़के का बाप भी आया हुआ, लड़की इधर है, आप लोग आके बात नहीं करते तो लड़की मिलती नहीं। आज केली का? हां आज। मग हे कधी दिली? लड़की को भी छोड़ के हम दूसरा काय करते हैं? बाला दुपारी का मुलगी तुमच्या समोर आली होती? नहीं नहीं, वही तो बोल रही हूँ मैं, लड़की नहीं आ रही है, लड़की साइड इधर आओ, तुम्हारी बेटी की साइड नहीं, वो साइड उसकी है नहीं है, ठीक है, नहीं है उसकी साइड, आप अभी तो सामने दिख रहा है, ये आधार पे लड़की के मां-बाप नहीं, ये साइड नहीं है सकाळी एकदा। दुसरी गोष्ट, आता ही जर मिसिंग आहे, आता आता तुम्ही एनजीओ किंवा पोलीस किंवा हे जर पोलीस इथे आले, त्यांना जर काही तपास करायचा असेल इथे येऊन, तर त्यांना आम्ही त्यांच्या घरी घेऊन जाऊ, त्यांचा शोध करण्यास मदत करू।